भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों के लिए जरूरी निर्देश हुआ जारी। परेशानी या शिकायत पर इस नंबर पर कर सकते हैं संपर्क। नमस्कार, मैं दिव्य, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन या किस्तवार प्रक्रिया के लिए भूमि मालिक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता तो वे किसी भरोसेमंद प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, जिससे सर्वे कर्मियों को पहचान में आसानी होगी। हालांकि प्रतिनिधि भेजना भी अनिवार्य नहीं है। सर्वे कार्य से संबंधित समस्याओं या शिकायतों के लिए विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। तो यदि रैयत को सर्वे के दौरान किसी तरह की परेशानी होती है या किसी तरह की शिकायत करनी है तो आप 1800-345-215 पर संपर्क कर सकते हैं। कई लोगों के पास वंशावली, खतियान और राजस्व रसीद से जुड़े कई सवाल हैं, तो आप इन सवालों से जुड़े जवाब भी यहां ले सकते हैं। विभाग ने रैयतों के लिए कुछ सामान्य निर्देश भी जारी किए ताकि लोगों में किसी भी तरह की संदेह की स्थिति ना रह सके। तो विभाग ने जो जरूरी बातें जारी की हैं उनमें स्वघोषणा प्रपत्र 2, खतियान और बंदोबस्त भूमि से जुड़ी बातें हैं जिन्हें रैयतों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वघोषणा प्रपत्र 2 की। रैयत या उनके वंशज को जमीन की जानकारी भरकर अंचल शिविर में जमा करनी होगी या भू अभिलेख की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद है खतियान। रैयत को प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार करके शिविर में जमा करना होगा या ऑनलाइन अपलोड करना होगा। साथ में राजस्व रसीद की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। यदि भूमि खरीदी गई है या बदली गई है या दान की गई है तो संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति देनी होगी। यदि कोई कोर्ट का आदेश है तो उसकी छाया प्रति भी अटैच करनी होगी। अब बात करते हैं बंदोबस्त भूमि या भूदान प्रमाण पत्र की। तो इसकी भी छाया प्रति आपको देनी होगी। यदि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देने की आवश्यकता है, वंशावली की जरूरत नहीं होगी। चलिए अब उन बातों को जानते हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन रैयत इन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी परेशान और भाग दौड़ की स्थिति में रहते हैं। इसमें सबसे पहले कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी के समक्ष प्रपत्र 3(1) में वंशावली के लिए शपथ देने की आवश्यकता, ये बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग वंशावली पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के लिए परेशान हैं, लेकिन आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी जरूरी नहीं है। राजस्व रसीद की अपडेट या ऑनलाइन प्रति की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा विभाग ने विशेष शिविरों में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट 2 ऑफलाइन जमा करने की अनुमति दी है। भूमि सुधार विभाग का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोगों के बीच सर्वेक्षण प्रक्रिया को लेकर कोई भ्रम ना रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपके भूमि सर्वेक्षण का काम हो चुका है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।